कुछ टाइप्स ऑफ एलिसिस हैं, टाइप्स ऑफ एलिसिस, कितने टाइप के एलिसिस हैं? एक होता है टाइप वन एलिसिस, एक है टाइप टू एलिसिस, टाइप थ्री एलिसिस, टाइप फोर एलिसिस, टाइप फाइव एलिसिस, टाइप सिक्स एलिसिस, टाइप सेवन एलिसिस, टाइप एट एलिसिस, ये 11 टाइप के एलिसिस हैं ओएसपीएफ में। टाइप वन एलिसिस को हम राउटर एलिसिस भी बोलते हैं, टाइप टू एलिसिस बोल दो, नेटवर्क एलिसिस बोल दो, बातें की है। टाइप थ्री एलिसिस समरी एलिसिस, टाइप फोर इज एएसबीआर समरी एलिसिस, एक है टाइप फाइव जिसको हम लोग एक्सटर्नल एलिसिस बोलते हैं, एक टाइप सिक्स जिसको हम लोग MOSPF LSA बोलते हैं, NSSA एक्सटर्नल LSA, इनको छोड़ दो। NSSA एक्सटर्नल LSA ठीक है, ओके। तो अब देखो होता क्या है, हम लोग यहां पे कौन कौन से एलएसए डिस्कस करने वाले हैं, टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री, टाइप फोर, फाइव, सिक्स एलएसए हम लोग यहां पे डिस्कस नहीं करेंगे, हमारा पार्ट नहीं है। टाइप सेवन एलएसए डिस्कस करेंगे, और ये एलएसए अभी हम लोग यहां पे डिस्कस नहीं करने वाले हैं, ये हमारा पार्ट नहीं है। तो हम लोग यहां पे टाइप वन टू फाइव एंड सेवन एलएसए डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, क्लियर है। इन एलएसएस को स्टार्ट करने से पहले ना मैं आप लोगों को कुछ टाइप्स ऑफ राउटर्स हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, देन इन एलएसए पे मूव होते हैं हम लोग, ठीक है। पहले आपको वो समझना पड़ेगा टाइप्स ऑफ राउटर्स कौन कौन से हैं ओएसपीएफ में, देन इन पे इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो यार, ये एक मेरे पास में एरिया कौन सा है, एरिया जीरो है, ये एक एरिया है हमारे पास में एरिया वन, और यहाँ पे कोई डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है, कोई EIGRP या फिर RIP। OSPF का एरिया जीरो, OSPF एरिया वन, एंड लेट्स सपोज EIGRP प्रोटोकॉल चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे ये कुछ राउटर कनेक्टेड है, अब देखो यार, इन दोनों एरियाज को कनेक्ट करने के लिए बीच में एक सेंट्रलाइज राउटर चाहिए होगा हमें यहाँ पे, और इन दोनों प्रोटोकॉल को OSPF को EIGRP को कनेक्ट करने के लिए मुझे एक सेंट्रलाइज राउटर चाहिए होगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ राउटर है,
types of router in OSPF. एक होता है यहाँ पे बैकबोन राउटर, एक होता है यहाँ पे इंटरनल राउटर, एक होता है यहाँ पे एबीआर राउटर और एक होता है यहाँ पे एएसबीआर राउटर. एबीआर स्टैंड फॉर एरिया बॉर्डर राउटर, एएसबीआर स्टैंड फॉर ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर. बाउंड्री राउटर बोलते हैं ना इसको. ओके, बैकबोन राउटर कौन सा होता है? ऑल इंटरफेसेस आर इन बैकबोन एरिया. बैकबोन एरिया कौन सा होता है? एरिया जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं? बैकबोन एरिया बोलते हैं. ठीक है, तो देखो ये जो राउटर है इसके जितने भी इंटरफेसेस है एक ही एरिया में, एरिया जीरो में है, तो इस राउटर को हम लोग क्या बोलेंगे? बैकबोन राउटर. और इसके भी सारे के सारे इंटरफेसेस एरिया जीरो में है, ये वाला भी और ये वाला भी, ये राउटर क्या रहेगा? बैकबोन राउटर. इन दोनों राउटर को हम लोग बैकबोन राउटर बोलेंगे. ठीक है, एक है इंटरनल राउटर, ऑल इंटरफेसेस आर इन रेगुलर एरिया. देखो एरिया जीरो को छोड़ के जितने भी एरिया आ जाए उनको हम लोग क्या बोलते हैं? रेगुलर एरिया. तो ये जो राउटर है इसके दोनों इंटरफेस है वो किस में है? एक रेगुलर एरिया में है, तो इस राउटर को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल राउटर. ये राउटर क्या रहेगा हमारा? इंटरनल राउटर. अब एबीआर की अगर मैं बात करूं, एबीआर राउटर कौन सा होता है? एट लीस्ट वन इंटरफेस इज इन एरिया जीरो बैकबोन एरिया. एंड वन इंटरफेस इज इन रेगुलर एरिया. That router is called ABR router. जैसे ये router है, इसका एक interface किस में है? Area zero में है, backbone area में है, और minimum एक interface किस में है इसमें? एक regular area में है. तो इस router को हम लोग क्या बोलते हैं? ABR router. और हाँ, ASBR router क्या रहेगा? देखो, ये router है. अब EIGRP को OSPF में क्या करवाना पड़ेगा आपको? रिडिस्ट्रीब्यूट. जैसे ही कोई राउटर पे आप लोग रिडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करवाते हो वो राउटर बन जाता है एएसबीआर राउटर. उस राउटर को हम लोग क्या बोलेंगे? एएसबीआर राउटर, ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर. जिस राउटर पे आप लोग रिडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करोगे वो राउटर आपका एएसबीआर रहेगा. क्लियर है चीज? टाइप्स ऑफ राउटर पता चल गए. तो ये राउटर बैकबोन राउटर है, ये राउटर इंटरनल राउटर है, दिस राउटर इज एबीआर राउटर एंड दिस राउटर इज एएसबीआर राउटर. क्लियर? हटा दूं इसको. ओके, अब हम लोग चलते हैं वापस से इन एलएसएस पे आते हैं. हमने क्या डिस्कस किया? राउटर्स क्या करते हैं? अपना डेटाबेस मेंटेन करते हैं. डेटाबेस जो है वो किससे मेंटेन करेंगे? क्या रहेगा डेटाबेस में? कुछ टाइप्स ऑफ एलएसएस. और एलएसए एक एलएसए नहीं होता, बोर्ड टाइप के एलएसएस होते हैं. तो कितने टाइप के एलएसएस हैं? 11 टाइप के एलएसएस हैं. हमारा सीसीएनपी में हम लोग सिर्फ
1 टू 5 LLC एंड 7 LLC के बारे में ही बात करेंगे, क्लियर। अब ये जितने भी टाइप्स ऑफ LLCs हैं उन हर एक LLC में दो इंफॉर्मेशन आपको सेम देखने को मिलेगी, जितने भी LLC हैं उन LLCs में दो इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। क्या क्या? एक तो एडवर्टाइजिंग राउटर ID और एक लिंक ID, ये इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी ही मिलेगी हर एक LLC में। अब देखो एडवर्टाइजिंग राउटर ID क्या है, एडवर्टाइजिंग राउटर में उस राउटर की राउटर ID रहेगी, वो राउटर की जो राउटर उस LLC को जनरेट कर रहा है, ठीक है। अगर किसी राउटर ने एक LLC 5 जनरेट किया तो एडवर्टाइजिंग राउटर ID उस LLC में क्या रहेगी, उस राउटर की राउटर ID हमेशा। R1 ने कोई LLC जनरेट किया तो उस LLC में उसी राउटर की राउटर ID, मतलब जो राउटर, पता कैसे चलेगा ये LLC किसने जनरेट किया है, वो जो LLC आ रहा होगा उस LLC में उस राउटर की राउटर ID लग के आ रही होगी जिस राउटर ने वो LLC क्या किया है, जनरेट किया है, क्लियर है इतनी चीज। एक होती है लिंक ID, लिंक ID में कभी तो आपको राउटर ID देखने को मिलेगी, कभी आपको IP एड्रेस देखने को मिलेगा और कभी आपको प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी, मतलब नेटवर्क की इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। देखो होता क्या है, कुछ LLC में आपको लिंक ID में उस राउटर की राउटर ID देखने को मिलेगी, कुछ LLC में हो सकता है लिंक ID में कोई इंटरफेस का IP हो सकता है, कुछ LLC में आपका लिंक ID में आपका नेटवर्क इंफॉर्मेशन हो, वो डिपेंड करेगा LLC कौन सा है, वो पता चल जाएगा हम लोग जब LLC डिस्कस करेंगे। जैसे राउटर LLC का बता देता हूँ, राउटर LLC जो जनरेट होता है उसमें एडवर्टाइजिंग राउटर ID क्या रहेगी, उस राउटर की राउटर ID और लिंक ID भी क्या रहेगी, उस राउटर की राउटर ID ही रहेगी हमेशा LSA 1 में, राउटर LSA के अंदर। किसी और LSA में लिंक ID में IP एड्रेस हो सकता है, LSA 2 में हो सकता है IP एड्रेस हो, LSA 3 में लिंक ID में हो सकता है कोई प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन देखने को मिले आपको, LSA 4 में हो सकता है लिंक ID में आपको फिर से किसी के राउटर ID देखने को मिले, LSA 5 में हो सकता है फिर से आपको कोई प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन देखने को मिले, LSA 7 में हो सकता है आपको लिंक ID में प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन देखने को मिले। तो बात करेंगे कौन से LSA में लिंक ID में क्या इंफॉर्मेशन होती है, क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करेंगे उन LSAs के बारे में वन बाय वन। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं कौन से LSA के बारे में, टाइप वन LSA के बारे में बात करेंगे। तो यहां पे हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने वाले थे टाइप वन LSA के बारे में। आप बोल सकते हो इसको राउटर LSA, लेट्स सपोज आपके पास में यहां पे एक राउटर है R1, इस पे OSPF चल रहा है और इसकी राउटर ID क्या है 1.1.1.1 है और इस राउटर पे दो लिंक है, ये इस लिंक पे IP यूज हो रहा है 12.1.1.1/24 पे, इस लिंक पे IP यूज हो रहा है 13.1.1.1/24 पे, और लिंक कौन से हैं, ये एक लेट्स सपोज फास्ट इथरनेट लिंक है और ये वाला सीरियल लिंक है, ठीक है। ये राउटर क्या करेगा, ये राउटर अपना एक LSA 1 जनरेट करेगा, राउटर क्या करने वाला है, ये राउटर अपना एक LSA 1 जनरेट करेगा और इस LSA 1 में एडवर्टाइजिंग राउटर क्या रहेगा, एडवर्टाइजिंग राउटर ID में क्या इंफॉर्मेशन रहेगी, हैं 1.1.1.1 इस राउटर की राउटर ID और एक रहेगी यहां पे लिंक ID, लिंक ID में भी इस राउटर की राउटर ID ही रहेगी 1.1.1.1 और LSA 1 में एक्चुअली उस राउटर के लिंक्स की इंफॉर्मेशन होती है। तो यहां पे बता रहा होता है कि लिंक ID में
यहाँ पे किसके लिंक्स की इन्फॉर्मेशन है, R1 के लिंक्स की इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे कौन कौन से लिंक्स है यहाँ पे, तो एक तो इस राउटर से लिंक कनेक्टेड है जहाँ पे नेटवर्क कौन सा यूज हो रहा है 12.1.1.0। अब ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दिखाएगा यहाँ पे, ये ऊपर लिंक आईडी थी, ये तो इन्फॉर्मेशन मैंने बताया था ना, एक LSA का हेडर होता है और कुछ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है, ये तो है वो उस LSA का हेडर। और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन में क्या रहेगी, उन लिंक्स की इन्फॉर्मेशन, क्या एक तो इस पे लिंक कनेक्टेड है लिंक वन जिसपे नेटवर्क कौन सा यूज हो रहा है 12.1.1.0/24 और उस लिंक की कॉस्ट कितनी है 1। एक और लिंक कनेक्टेड है इससे कौन सा, लिंक टू, और इस पे नेटवर्क कौन सा यूज हो रहा है 13.1.1.0/24 और उस लिंक की कॉस्ट कितनी है 64। इस तरह से ये राउटर क्या करेगा, अपना एक LSA1 जनरेट करेगा और इस LSA1 में किस चीज की इंफॉर्मेशन होगी, इसके सभी लिंक्स की। और इस LSA1 का जो फ्लडिंग स्कोप होता है वो होता है विद इन एरिया। LSA1 कभी भी अपना एरिया क्रॉस नहीं करता। देखो मैंने आप लोगों को याद होगा लास्ट क्लास में बताया था राउटर क्या करते हैं, अपना डेटाबेस बनाते हैं, उस डेटाबेस में मैंने बताया था वो LSA रखते हैं। वो जो LSA की बात चल रही थी वो एक्चुअली कौन सा LSA था, वो LSA1 ही था जो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी, जब डेटाबेस बनवाया था मैंने बताया था उस LSA में लिंक्स की इन्फॉर्मेशन जाती है, एक्चुअली वो LSA1 था। हाँ, ये एरिया कहां, तो ये LSA विद इन एरिया सभी राउटर के पास में जाएगा बट अपना एरिया क्रॉस नहीं करता। और OSPF में हर एक राउटर अपना LSA1 जनरेट करता है, OSPF में हर एक राउटर अपना एक LSA1 जनरेट करता है और उस LSA1 में अपने लिंक्स की इंफॉर्मेशन रखता है। और वो LSA1 कहां तक जाता है, किन किन राउटर्स के पास में जाएगा, जो सेम एरिया में जो राउटर्स होंगे उनके पास में, सबके पास में जाएगा वो। क्लियर? ओके, तो लेट्स सपोज हमारे पास में यहां पे तीन राउटर अटैच्ड हैं, R1, R2 एंड R3। ये तीन राउटर हैं कनेक्टेड एक दूसरे से। और ये एक ही एरिया में है तीनों राउटर, और यहां पे इनके साथ में स्विच भी कनेक्टेड है। और इन स्विच के साथ में नेटवर्क भी यूज हो रहे हैं, 10 का यूज हो रहा है यहां पे, 20 का यूज हो रहा है यहां पे एंड 30 का यूज हो रहा है यहां पे। ठीक है, इन दोनों के बीच में नेटवर्क यूज हो रहा है 12.1.1.0/24, 23.1.1.0/24। मैंने क्या बताया, यहाँ पे हर एक राउटर क्या करेगा, अपना एक LSA1 जनरेट करेगा, तो R1 भी जनरेट करेगा, R2 भी एंड R3 भी। हर एक राउटर के पास में नंबर ऑफ LSA1 कितने होंगे, हर एक राउटर के पास में कितने नंबर ऑफ LSA1 होंगे, तीन होंगे ना, कितने LSA हैं टोटल। और मैंने क्या बताया, यहाँ पे LSA हर एक राउटर के पास में जाएंगे, LSA1 जो है वो विद इन एरिया सभी राउटर के पास में जाएगा। तो यहाँ पे इस एरिया में पहली बात तो ये टोटल नंबर ऑफ LSA1 होंगे कितने, तीन LSA1 होंगे। और हर एक राउटर के डेटाबेस में आपको वो तीन LSA1 देखने को मिलेंगे। होगा क्या, इसके डेटाबेस में LSA1 इसका तो होगा ही, R2 का भी आएगा एंड R3 का भी आएगा, सेम इस पे रहेगा और सेम इस पे रहेगा। ये अरे ये अपना LSA1 है, वो इस एरिया में सबके पास में जाएगा ना, इस राउटर के पास में भी आएगा, इस राउटर के पास में भी आएगा, इसके पास में खुद के पास में तो पड़ा ही है। इसी तरह से R2 का LSA इसके पास में भी आएगा, इसके पास में भी आएगा, इसी तरह से R3 का LSA इसके पास में भी और इसके पास में भी। हर एक राउटर के पास में नंबर ऑफ LSA कितने होंगे, तीन LSA1 होंगे। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। और ये राउटर्स अपना LSA1 दूसरे एरिया में क्रॉस, दूसरे एरिया में नहीं भेजते,
मतलब इस एरिया, एक ऐसा भी हो सकता है इसके साथ में एक और दूसरा एरिया कनेक्टेड है, तो इस एरिया के LSA 1 दूसरे एरिया में नहीं जाएंगे, क्लियर। और हमने क्या डिस्कस करा था, LSA 1 में किस चीज की इंफॉर्मेशन जारी होती है, ये अपने लिंक्स की इंफॉर्मेशन भेजेगा, ये अपने लिंक्स की इंफॉर्मेशन भेजेगा, ये अपने लिंक्स की इंफॉर्मेशन भेजेगा। R1 के पास में तीनों राउटर का LSA 1 है, तो तीनों राउटर का LSA 1 है मतलब तीनों राउटर्स के लिंक्स की इंफॉर्मेशन है। तुम देखोगे R1 जो है वो पूरी कंप्लीट टोपोलॉजी डिजाइन कर सकता है, R1 के लिए पूरी कंप्लीट टोपोलॉजी विजिबल होगी। इसी तरह से R2 पे भी क्या है, तीन LSA 1 आ रहे हैं, तीनों LSA 1 में क्या है, तीनों लिंक्स की, तीनों राउटर के लिंक्स की इंफॉर्मेशन है, तो R2 भी कंप्लीट टोपोलॉजी डिजाइन कर सकता है इस एरिया में कौन से राउटर किससे और कैसे कनेक्टेड है, और R3 भी। आगे बात समझ में, एक काम करते हैं इसको प्रूव करने के लिए मैं सेम टोपोलॉजी डिजाइन कर रहा हूं और वहां पे LSA 1 को हम लोग डिटेल से देखते हैं, और इवन हम लोग R1 का डेटाबेस ओपन करेंगे, तुम देखोगे R1 के डेटाबेस में तीन LSA दिखा रहा होगा, R1 का, R2 का एंड R3 का। मैं बाकी राउटर्स को टच नहीं करूंगा, हम लोग सिर्फ R1 का डेटाबेस चेक करके, उसके LSA चेक करके हम लोग कंप्लीट टोपोलॉजी डिजाइन करेंगे, ठीक है। हमने डिस्कस किया ना यहाँ पे, हर एक राउटर अपना डेटाबेस चेक करके कंप्लीट टोपोलॉजी डिजाइन कर सकता है, हम लोग देखेंगे वो कैसे डिजाइन कर सकता है, क्लियर। तो मैं यहाँ पे सॉरी GNS में इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं इसको। तो मैं तीन राउटर यहाँ पे अटैच करने वाला हूँ, R1, R2 एंड R3, ठीक है। और तीन ही मैं यहाँ पे LAN नेटवर्क यूज कर लेता हूँ, ठीक है। और इनके बीच में मैंने सीरियल लिंक यूज किए हैं, और यहां पे मैं ईथरनेट लिंक यूज कर रहा हूं, क्लियर। R1, R2 एंड R3, ठीक है। इन सब पे OSPF चल रहा है, ठीक। और एरिया कौन सा है, ये कौन सा एरिया ले लें हम लोग, जीरो ले लें, ठीक है जीरो ले लेते हैं, OSPF एरिया जीरो रख लेंगे। आईपी स्कीम तो तुम लोगों को पता ही है क्या यूज करनी है हमने, डायरेक्ट आईपी इंप्लीमेंट करूं ना, मेंशन करने की तो जरूरत नहीं है यहां पे टोपोलॉजी में। R1 पे आओ, R2 एंड R3, इंटरफेस ईथरनेट 2x0 10.1.1.1 सिनोम, इंटरफेस सीरियल 1x0 12.1.1.1 नो सेटअप, इंटरफेस सीरियल 1x0 आईपी एड्रेस इज 12.1.1.2 ना सिनोम, एग्जिट इंटरफेस सीरियल 1x1 आईपी एड्रेस इज 23.1.1.2 नो शट डाउन, एग्जिट इंटरफेस ईथरनेट 2x0 आईपी एड्रेस इज 20.1.1.1 ना से नो शट डाउन, ठीक है। आर थ्री पे आ जाओ, इंटरफेस सीरियल 1x0 आईपी एड्रेस इज 23.1.1.3 शट डाउन, एग्जिट इंटरफेस ईथरनेट 2x0 आईपी एड्रेसेस 30.1.1.1 ना सेनो, आईपी एड्रेस हो गए कॉन्फिगर। अब चलेंगे OSPF इनेबल करेंगे, तो OSPF इनेबल करने के लिए मैं पहले R3 पे ही इनेबल कर देता हूँ, राउटर OSPF 100 नोट असेंबली पहले से ही होता है। मैं राउटर आईडी सेट कर देता हूँ मैनुअली,
नहीं तो कुछ रैंडम पिक कर लेगा, आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा इजी रहेगा ना। R3 पे मैंने राउटर आईडी 3.3.3 यूज करी है, डेटाबेस चेक करेंगे तो इजीली पता चल जाएगा कौन सा एलएस किस राउटर का है, ठीक है। और मैं नेटवर्क यहाँ पे 000 कमांड यूज कर रहा हूँ, इससे क्या होगा, हाँ सारे इंटरफेसेस OSPF के एरिया जीरो में क्या हो जाएंगे, एडवर्टाइज, ठीक है। R2 पे चल लो, राउटर राउटर OSPF 100, राउटर आईडी इज, नेटवर्क इज, जीरो, और कौन सा रहेगा, R1, राउटर OSPF 100, राउटर आईडी इज, नेटवर्क इज, एरिया इज। तुम देखोगे इन सभी राउटर के बीच में नेबरशिप अप आ जाएगी। पहले नेबरशिप चेक कर लेते हैं, R2 का R3 नेबर अप आ चुका है और इसका R1 भी नेबर अप आ गया है। पहले काम करेंगे, पहले हम लोग इनका डेटाबेस चेक करेंगे, जो IP OSPF डेटाबेस। तो इसके डेटाबेस में नंबर ऑफ LSA 1 कितने हैं, ये क्या बता रहा है आपको, ध्यान से देखना इसको। OSPF राउटर विद राउटर आईडी 1.1.1.1 ये बता रहा है कि इस राउटर की राउटर आईडी क्या है, 1.1.1 है, और इस पे OSPF की प्रोसेस कौन सी चल रही है, 100 चल रही है, ठीक है। और इस राउटर पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे अब LSA की डिटेल दिखा रहा है, ये राउटर लिंक स्टेट, मतलब राउटर LSA, राउटर लिंक स्टेट LS, राउटर LS है ना, ये राउटर LS ही है। कौन से एरिया का ये, इसके पास में एरिया जीरो में कितने नंबर ऑफ LSA 1 है, LSA 1 है तीन, एक तो देखो, एक तो R1 का, R2 का एंड R3 का। मैंने बताया था LSA 1 में एडवर्टाइजिंग राउटर आईडी में उस राउटर की राउटर आईडी रहेगी, लिंक आईडी में भी उस राउटर की राउटर आईडी रहेगी। क्या इसको एडवर्टाइज कौन करा इस LSA 1 को, R1, और इसमें लिंक आईडी में बता रहा है 1.1.1.1, मतलब इस लिंक आईडी में 1.1.1 बता रहा है, मतलब इसके 1.1.1 के लिंक्स की इंफॉर्मेशन है ना। और सीक्वेंस नंबर के बारे में हम लोगों ने बात करी थी, चेकसम वैल्यू वैसे ही होती है जैसे आईपी हेडर में होती है। लिंक काउंट इसमें बताएगा कि जो R1 का जो LSA 1 है उसमें नंबर ऑफ लिंक कितने हैं, तीन। R2 का जो LSA है उसमें उस LSA में नंबर ऑफ लिंक कितने हैं, 5। और R3 का जो LSA 1 है उसमें नंबर ऑफ लिंक कितने हैं, 3। ऐसा कैसे है, R1 पे तो दो ही लिंक है और R2 पे तो सिर्फ तीन ही लिंक है। अरे R2 पे नंबर ऑफ लिंक कितने हैं और वैसे फिजिकल लिंक है कितने, वहां पे तीन है, यहाँ पे लिंक होने कितने चाहिए, तीन ही तो होने चाहिए। और यहाँ पे इसमें देखना, R1 के LSA 1 में नंबर ऑफ लिंक कितने होने चाहिए, दो है ना, दो, बट तीन दिखा रहा है ना, ये एक्चुअली तीन क्यों दिखा रहा है वो, और मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पे अब होगा क्या, हो सकता है ना आगे इस राउटर का कोई नेबर भी बना हुआ है, कौन, 2.2. या 3.3.3.3, और इस पे आईपी क्या है, 13.1.1.3। तो यहां पे इस नेबर को भी एज ए लिंक काउंट करता है क्या, कि इसका नेबर है कोई कौन, 3.3.3.3, और उस नेबर तक जाने की कॉस्ट कितनी है, 64। तो राउटर अपने नेबर की भी इंफॉर्मेशन किस में रखता है, LSA 1 में। तो तभी तो ये देखो यहां पे इसके कितने नेबर हैं, दो तो इसके लिंक हो गए, नेबर कितने हैं इसके, एक, तो टोटल लिंक कितने दिखा रहा है, तीन। इस पे लिंक कितने हैं, तीन, और नेबर कितने हैं इसके, दो, तो टोटल नेबर कितने हो गए, टोटल लिंक कितने हो गए, 5 LSA 1 में। इसके लिंक दो है बट दिखा तीन रहा है, तो एक इसका नेबर है, तो यहां पे नेबर को भी ये एज ए लिंक काउंट करता है। और ये सिर्फ किस केस में, ये सीरियल लिंक के केस में ऐसा करता है, इथरनेट लिंक के केस में ऐसा नहीं होगा। इथरनेट लिंक के केस में ये अपने नेबर को एज ए लिंक काउंट नहीं करेगा, LSA 1 में इंफॉर्मेशन नहीं रखेगा वो, LSA किस केस में, इथरनेट लिंक के केस में। और हाँ, इथरनेट लिंक के केस में नेबर की इंफॉर्मेशन किस चीज में जाती है वो हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी
R1 जो अपना LS1 जनरेट कर रहा है उसमें अपने सभी लिंक्स की इंफॉर्मेशन भेज रहा है और अपने नेबर की इंफॉर्मेशन किसमें भेज रहा है? LS1 में। तो इसीलिए वो नेबर को भी एज ए लिंक काउंट कर रहा है। आ रही है ना बात समझ में? बट हाँ, ये सिर्फ सीरियल लिंक के केस में ऐसा हो रहा है। अगर हमारे पास में यहाँ पे लिंक कौन सा होता है इन दोनों के बीच में? इथरनेट लिंक होता तो नेबर को एज ए लिंक काउंट नहीं करता, LS1 में नेबर की इंफॉर्मेशन लिंक में नहीं भेज रहा होता, वो फिर किसी और फॉर्म में भेज रहा होता। वो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आपको पता चलेगा। वो इतनी चीज क्लियर है? हाँ जी सर। तो अभी R1 पे टोटल नंबर ऑफ राउटर LSA कितने दिखा रहा है? 3। तीनों राउटर्स ने अपना LSA1 जनरेट किया। ऐसे ही R2 के डेटाबेस में भी कितने नंबर ऑफ LSA1 होंगे? 3। SWIP OSPF डेटाबेस, इसके पास में भी कितने नंबर ऑफ राउटर LSA हैं? 3। और R3 के पास में भी टोटल नंबर ऑफ राउटर LSA कितने होंगे? 3। आगे बात समझ में? और ना ये कोई भी राउटर पे LSA1 देख के आपको एक और चीज पता चल जाएगी कि इस एरिया में टोटल नंबर ऑफ राउटर कितने कनेक्टेड है। हर एक राउटर क्या करता है? अपना LSA1 जनरेट करता है, तो पता चल ही जाएगा 3 राउटर है यहाँ पे, 3 LSA1 है। तो अगर यहाँ पे LSA1 5 होते तो इस एरिया में टोटल नंबर ऑफ राउटर कितने होते? 5। क्लियर है ये चीज? ओके चलो, अब एक काम करेंगे हम लोग। मेरे पास में सिर्फ R1 है और R1 को चेक करके, R1 का डेटाबेस चेक करके हम लोग ये पूरी टोपोलॉजी डिजाइन करेंगे। मैंने बताया था R1 अपना डेटाबेस चेक करके कंप्लीट टोपोलॉजी डिजाइन कर सकता है ना, तो कैसे डिजाइन करेगा वो बात करते हैं। देखो SWIP OSPF डेटाबेस, ये अपना डेटाबेस चेक करेगा। जैसे ही डेटाबेस चेक करेगा इसको एक चीज पता चल गई, क्या? कि मेरी राउटर आईडी क्या है? मेरी राउटर आईडी है 1.1.1.1 और मैं किस एरिया में हूं? मेरे पास में राउटर LSA किस एरिया के हैं? एरिया 0 के हैं। मतलब मैं किस एरिया में हूं? एरिया 0 में हूं, ठीक है। और इसको एक और चीज पता चल गई, यहां पे टोटल नंबर ऑफ राउटर कितने हैं? एक तो मैं हूं 1.1.1 और इसके अलावा दो और राउटर हैं 2.2.2 एंड 3.3.3.3। दो और राउटर हैं इस एरिया में। कौन से एरिया में? एरिया 0 में। ये आपका एरिया 0 है, इसको पता चल गया कि मैं एरिया 0 में हूं और इस एरिया में 3 और राउटर है एरिया 0 में। क्लियर है इतनी चीज? ये इतना डेटाबेस चेक करते ही इसको अपना ये डेटाबेस अब चेक किया, IPOSPF डेटाबेस LSA1 देखते ही इसको इतनी चीजें पता चल गई। अब ये राउटर क्या करेगा? ये राउटर अपना LSA1 डिटेल से ओपन करेगा। अब इस LSA1 को डिटेल से ओपन करके दिखाता हूं। IPOSPF डेटाबेस बोला था तो इसमें सारे नंबर ऑफ LSA दिखा रहा है आपको, है ना। अब मैं क्या करता हूं, मैंने कौन सा LSA डिटेल से देखना है? राउटर LSA। अब मैं यहां पे राउटर लिख के एंटर प्रेस करूंगा तो जितने भी राउटर LSA हैं वो सारे के सारे आपको डिटेल से ओपन करके दिखा देगा। बट मुझे कौन सा राउटर LSA डिटेल से ओपन करना है? अभी फिलहाल मुझे 1.1.1 का राउटर LSA डिटेल से ओपन करके देखना है। R1 ने क्या किया? R1 ने अपना राउटर LSA डिटेल से ओपन किया। मैंने एक चीज बताई थी, ये वो LSA1 है किसका? राउटर लिंक स्टेट। ये R1 का राउटर LSA, इतना बड़ा है ये राउटर LSA। पहले वो उसकी समरी इंफॉर्मेशन दिखा रहा था IPOSPF डेटाबेस में, ये डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। उस LSA1 को मैंने डिटेल से ओपन किया। मैंने बताया था हर एक LSA का क्या होता है, एक LSA हेडर होता है ना, ये उस LSA1 का क्या है? हेडर है। हर एक LSA में इतनी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी, चाहे कोई भी LSA हो, हर एक LSA में ये इंफॉर्मेशन आपको ऐसे ही देखने को मिलेगी, ठीक है। ओके, ये इस LSA की एज दिखा रहा है, इस LSA को जनरेट हुए कितना टाइम हो गया। ऑप्शन फील्ड को छोड़ दो अभी के लिए, LS टाइप में क्या बता रहा है ये LSA कौन सा है? राउटर लिंक्स, राउटर LSA है ये आपका। लिंक आईडी में इस राउटर की राउटर आईडी, एडवर्टाइजिंग राउटर में इस राउटर की राउटर आईडी और साथ में क्या दिखा रहा है? सीक्वेंस नंबर। चेकसम वैल्यू का वही यूज होता है जो IP हेडर में जो यूज होता है, जो TCP हेडर में एरर डिटेक्शन के लिए। लेंथ, इस LSA की लेंथ कितनी है? नंबर ऑफ लिंक्स कितने दिखा रहा है? 3। 3 क्यों दिखा रहा है ये?
सीरियल लिंक पे एक नेबर है तो नेबर को भी एज ए लिंक काउंट कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो लिंक कनेक्टेड टू ए स्टब नेटवर्क, स्टब नेटवर्क मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क। देखो यहां पे थ्री नंबर ऑफ लिंक है, ये हो गया उस LSA का हेडर और ये उस LSA की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। कितने लिंक है, एक लिंक और ये रहा, दूसरे लिंक की इंफॉर्मेशन ये रही, तीसरे लिंक की इंफॉर्मेशन ये रही। देखो ये क्या बोल रहा है, ए लिंक कनेक्टेड टू ए स्टब नेटवर्क, स्टब नेटवर्क मतलब एक डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है मेरा, जहां पे नेटवर्क कौन सा यूज हो रहा है 10.1.1.0/24 और उस लिंक की कॉस्ट कितनी है 10 है ना, तो इसको पता चल गया यहां पे कोई लिंक है जिसपे 10 का नेटवर्क यूज हो रहा है और उस 10 के नेटवर्क तक जाने की कॉस्ट कितनी है, इस लिंक की कॉस्ट कितनी है 10 है। इतनी चीज पता चल गई। और क्या बता रहे है? ए लिंक कनेक्टेड टू अनदर राउटर, ये उस नेबर की इंफॉर्मेशन बता रहा है। एक लिंक कनेक्टेड है एक अलग नेबर से, एक अनदर राउटर से, पॉइंट टू पॉइंट मतलब पॉइंट टू पॉइंट लिंक पे है, सीरियल लिंक पे है वो, और नेबरिंग राउटर आईडी, जो नेबर कनेक्टेड है उसकी राउटर आईडी क्या है 2.2.2.2 है। उसको पता चल गया मेरे से एक पॉइंट टू पॉइंट एक नेबर कनेक्टेड है, मतलब R3 मेरे से कनेक्टेड नहीं है, R3 की इंफॉर्मेशन नहीं है, ये किसकी है R2 की इंफॉर्मेशन है। और एक और चीज पता चल गई, जो नेबर मेरे से कनेक्टेड है उस लिंक का आईपी क्या है 12.1.1.1 है, क्लियर। और कॉस्ट कितनी है वहां उस नेबर तक की, तो बीच में सीरियल लिंक है तो कॉस्ट कितनी है 64। दो लिंक इंफॉर्मेशन पता चल गई। अब तीसरा लिंक, लिंक कनेक्टेड टू ए स्टब नेटवर्क, मतलब एक और डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है इसके साथ में कनेक्टेड कोई लिंक पे, कौन सा 12.1.1.0/24 और उसकी कॉस्ट कितनी है, मतलब ऑब्वियस ही बात है ये इसी लिंक की बात कर रहे हैं, इस लिंक पे नेटवर्क कौन सा यूजर है 12.1.1.0/24 और कॉस्ट कितनी है इसकी, अरे ऑब्वियस ही बात है इसी लिंक पे तो आईपी है 12 के नेटवर्क में। आगे बात समझ में, तो R1 ने अपना LSA1 डिटेल से ओपन किया और ये सारा, इसको एक चीज पता चल गया मेरे से एक नेबर कनेक्टेड है और मेरे ऊपर ये लिंक है और उन पे ये नेटवर्क है और इनकी ये कोस्ट है, सो आईपी ओएसपी ऑफ डेटाबेस। इसको पता चल गया ना R1 मैं खुद हूं, R2 मेरा नेबर है, अभी R2 का डेटाबेस क्या करेगा, डिटेल से ओपन करेगा, सो आईपी ओएसपी ऑफ डेटाबेस कौन सा राउटर LSA किसका 2.2.2.2 का, ये उस LSA का हेडर, लिंक आईडी, राउटर आईडी, मतलब R2 का LSA देख रहे हैं हम लोग, ये वो सीक्वेंस नंबर वगैरह सब कुछ सेम है। नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं 5, ये वो 5 लिंक्स है, 1 by 1 इन लिंक्स के बारे में देखते हैं। लिंक कनेक्टेड टू ए स्टब नेटवर्क, एक डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है जहां पे 20 का नेटवर्क यूज हो रहा है, /24 पे कॉस्ट कितनी है, ये R2 का डेटा LSA1 ओपन किया हुआ है ना, तो R2 के LSA में ये क्या बता रहा है, इसके साथ में कोई नेटवर्क कनेक्टेड है डायरेक्टली जिस पे ये वाला नेटवर्क यूज हो रहा है और उस लिंक की कॉस्ट कितनी है 10। इतनी चीज क्लियर होगी। अरे इस राउटर पे R2 का मैंने LSA1 जो आ रखा है मैंने वो डिटेल से ओपन किया तो मुझे उसके सारे लिंक्स मिल रहे हैं ना, बात आ रही है ना समझ में। और लिंक कनेक्टेड टू अनदर राउटर पॉइंट टू पॉइंट, मतलब R2 का डेटाबेस ओपन किया हुआ है, मतलब R2 से कोई और नेबर कनेक्टेड है पॉइंट टू पॉइंट जिसका राउटर आईडी ये है, ठीक है। और वो जो मेरे से कनेक्टेड है मेरे उस इंटरफेस का आईपी क्या है 23.1.1.2 है और वहां तक जाने की कॉस्ट कितनी है उस नेबर तक जाने की 64 है। ये वाला लिंक हो गया। नेक्स्ट एक और लिंक दिखा रहा है स्टब नेटवर्क, एक डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है 23/24 पे कॉस्ट कितनी है, तो बता रहा था ना इस मेरा नेबर कनेक्टेड है इस लिंक पे, मेरे इस इंटरफेस का आईपी है तो 23 वाला नेटवर्क भी तो यहीं पे यूज हो रहा है, फिर इस लिंक की कॉस्ट कितनी है 64, इसी लिंक की बात कर रहा है वो। और लिंक कनेक्टेड टू अनदर राउटर, एक और राउटर से कनेक्टेड है पॉइंट टू पॉइंट 1.1.1, ऑब्वियस ही बात है किस नेबर की बात कर रहा है, इस वाले नेबर की बात कर रहा है। और मेरे खुद के इंटरफेस का आईपी क्या है, अरे खुद के इंटरफेस का आईपी क्या है
12 डॉट 1 डॉट 1 डॉट 2, और वहां तक रीच करने की कॉस्ट कितनी है उस नेबर तक की, 64। लास्ट वाला रिंग स्टब नेटवर्क, एक डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, कौन सा, 12.1.1.0/24। तो ऑब्वियस ही बात है, अब दिखाई दे ही रहा है कि इस वाले लिंक पे आईपीए है, तो इसी वाले नेटवर्क की बात कर रही है, इस वाले लिंक के नेटवर्क की बात कर रही है। तो आर टू का भी इसने डेटाबेस, आर टू का इसने LA7 डिटेल से ओपन कर लिया, सो आईपी ओएसपी ऑफ डेटाबेस, इन दोनों की इंफॉर्मेशन इसको पता चल गई। और अब ये ओपन करेगा किसका, R3 का डेटाबेस, सो आईपी ओएसपी ऑफ डेटाबेस R3 का LA7 राउटर, LA7 कौन सा, 3.3.3.3 का, ये उसकी LSA का हेडर है, ये वो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है। तीन लिंक्स हैं यहाँ पे, ए लिंक कनेक्टेड टू ए स्टब नेटवर्क, एक डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, 30/24 पे कॉस्ट कितनी है, मतलब R3 पे कहीं भी एक 30 का और नेटवर्क है कनेक्टेड जिसपे कॉस्ट कितनी यूज हो रही है, 10 की। ए लिंक कनेक्टेड टू ए अनदर राउटर पॉइंट टू पॉइंट, ये दूसरे नेबर की बात कर रहा है, एक नेबर कनेक्टेड है इससे जिसकी राउटर आईडी क्या है, तो इसकी बात कर रही है, और खुद का आईपी क्या है उसका, .3, और उस तक रीच करने की कॉस्ट कितनी है, 64, वो पहले से ही पता है उसको। और सब नेटवर्क कनेक्टेड है 23/24 पे 64, मतलब इसी के नेटवर्क की बात कर रही है। R1 ने देख लो पूरी कंप्लीट टोपोलॉजी डिजाइन कर ली सिर्फ अपना डेटाबेस चेक करके। इसी तरह से R2 के पास में भी तो LSA, तीनों LSA आ रहे हैं, ये भी तो उन तीनों LSA को डिटेल से ओपन करके टोपोलॉजी डिजाइन कर सकता है, ये भी तो टोपोलॉजी डिजाइन कर सकता है। इसीलिए तो हम लोगों ने बोला था क्या OSP, अब जो एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, और लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या होता है, राउटर्स को कंप्लीट टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन होती है, कौन सा राउटर किससे कैसे कनेक्टेड है, बात आगे समझ में। और अब R1 क्या करेगा, R1 अपने इस डेटाबेस पे जब SPF एल्गोरिदम रन करेगा, SPF एल्गोरिदम रन करते ही इसको वहां पे क्या मिलेगा, हाँ बहुत सारे लिंक्स मिलेंगे जिन पे नेटवर्क मिलेंगे। अब 30 का नेटवर्क मिलेगा एक, तो 30 के नेटवर्क तक जाने की कॉस्ट कितनी है, पूरी टोपोलॉजी विजिबल है इसके लिए, मैं 30 के नेटवर्क तक कैसे जा सकता हूं, 64 64 एंड 10, कॉस्ट कितनी होगी, 138। अगर मैंने 20 के नेटवर्क तक जाना है तो कॉस्ट कितनी है, 74। अगर मैंने इस 23 के नेटवर्क तक जाना है तो कॉस्ट कितनी है, 128। ये सारी इंफॉर्मेशन होगी इसके पास में, देखो जैसे ये डेटाबेस पे SPF एल्गोरिदम रन करेगा, देखना 20 का कहां गया, आगे बात समझ में क्लियर है इतनी चीज। ऐसे ही R2 भी अपनी SPF एल्गोरिदम रन करेगा इस डेटाबेस पे, R3 भी अपनी SPF एल्गोरिदम रन करेगा इस डेटाबेस पे, आगे बात समझ में क्लियर है ये चीज। ओके, एक और चीज क्लियर कर देता हूं, अब जैसे ही, अब देखो एक और चीज बता देता हूं, मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूं। R1 ने जो आईपी ओएसपीएफ SPF एल्गोरिदम कितने टाइम एग्जीक्यूट करी हुई है, 2 टाइम। अरे वो SPF वाला भाई नहीं आया क्या, जो आईपी ओएसपीएफ इसने कितने टाइम एग्जीक्यूट करी हुई है, 4 टाइम, ठीक है जी, हेलो ठीक है, वो सैलरी स्लिप वाली भी बना ली ना, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। ये SPF एल्गोरिदम किसने कितने टाइम एग्जीक्यूट करी है वो पता चल गया, 4 टाइम 2 टाइम। और R1 ने या R3 ने जो अपना LSA1 शेयर किया है, जो IP OSPF डेटाबेस, तो R3 ने जब अपना LSA1 शेयर किया है, लिंक काउंट कितने भेज रहा है उसमें, 3, सीक्वेंस नंबर क्या भेज रहा है, 2, याद रखना लिंक काउंट 3 है, सीक्वेंस नंबर कितने है, 2। और जैसे ही ये लिंक डाउन होगा, इंटरफेस कौन सा था, ये इथरनेट 2/0 था क्या, जैसे मैंने ये लिंक डाउन किया, लिंक डाउन करते ही जो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस लिंक कितने रह गए, इस डेटाबेस से इस ये लिंक हटा दिया 30 वाला, जो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस राउटर 3.3.3.3, इसने देख लो अपना वो 30 वाला लिंक हटा दिया यहां से,
और जैसे ही वो लिंक हटाया यहां से, 30 वाले लिंक की इंफॉर्मेशन हटाते ही इसने सीक्वेंस नंबर में क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया। पहले कितना था 2, अब कितना हो गया 3। तो इसके डेटाबेस में क्या हुआ, चेंज। इसके डेटाबेस में चेंज होते ही आईपी ओएसपीएफ ये अपनी एसपीएफ एल्गोरिथम क्या करेगा, एग्जीक्यूट जब भी कोई राउटर के डेटाबेस में चेंज होगा। और कौन से एलएसए में चेंज हो रहा है तो एसपीएफ एल्गोरिथम रन हो रही है, जब एलएसए 1 में चेंज हो रहा है तो एसपीएफ एल्गोरिथम एग्जीक्यूट कर रहा है। हो सकता है बाकी एलएसए में कोई चेंज हो डेटाबेस में तो एसपीएफ एल्गोरिथम ना रन करे हो, तो बात करेंगे हम लोग एलएसए 1 में जब भी चेंज हो रहा है तो एसपीएफ एल्गोरिथम रन हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है। क्लियर है इतनी चीज। और हाँ, जब भी राउटर के डेटाबेस में और भी बहुत सारे एलएसए पड़े हैं, एलएसए 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 11 तक एलएसए पड़े होंगे, बट राउटर्स अपनी एसपीएफ एल्गोरिदम कब एग्जीक्यूट करते हैं, जब भी राउटर्स के एलएसए 1 में कोई चेंज आता है तब। एलएसए 3 में कोई चेंज आ रहा है, डेटाबेस में एलएसए 3 भी पड़े हैं उनमें कुछ चेंज हो रहा है, राउटर एसपीएफ एल्गोरिदम एग्जीक्यूट नहीं करेगा। एलएसए 4 में कोई चेंज हो रहा है, कोई एसपीएफ एल्गोरिदम एग्जीक्यूट नहीं होगी। बट हाँ, राउटर्स के डेटाबेस में कुछ एलएसए 1 भी पड़े हैं, जैसे ही उन एलएसए 1 में चेंज होगा राउटर्स अपने एसपीएफ एल्गोरिथम एग्जीक्यूट करेंगे। तो देखो इसके एलएसए 1 में यहां पे क्या हुआ, चेंज हुआ। पहले 2 लिंक थे वो लिंक हटा दिया एक, इस एलएसए 1 में वो लिंक हटाते इसने डेटाबेस में क्या कर दिया, चेंज। डेटाबेस में चेंज करते इसने एसपीएफ एल्गोरिथम कितनी बार एग्जीक्यूट कर लिया, 5 टाइम। और ये अपना LSA 1 एक सीक्वेंस नंबर बढ़ा के अपने इस नेबर को भी शेयर करेगा, IP OSPF डेटाबेस, इसके पास में आई इंफॉर्मेशन सीक्वेंस नंबर किससे, 3 से, और लिंक अकाउंट इस बार कितने दिखा रहा है, 2। पहले किस सीक्वेंस नंबर से इंफॉर्मेशन पड़ी थी, 2 से, अभी किससे आई है, 3 से, सीक्वेंस नंबर 3 से ना। तो ये अपने डेटाबेस में इसने क्या किया, इसको अपडेट किया डेटाबेस में, LSA 1 में क्या हुआ, चेंज। चेंज होते ही आईपी ओएसपीएफ इसने भी अपनी एसपीएफ एल्गोरिथम एग्जीक्यूट कर ली, कितने टाइम एग्जीक्यूट हो गई, 5 टाइम। और ये इसका LSA 1 इसके पास में भी आएगा, आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस इसके पास में भी आया, सीक्वेंस नंबर किससे, अब लिंक नंबर ऑफ लिंक कितने आ रहे हैं, 2 ही आ रहे हैं। डेटाबेस में क्या हुआ, चेंज। चेंज होते ही आईपी ओएसपीएफ ये भी अपनी एसपीएफ एल्गोरिथम क्या करेगा, कितने टाइम एग्जीक्यूट कर ली इसने भी, 3 टाइम। और जब ये अपनी एसपीएफ एल्गोरिथम रन करेगा इस बार, उसको वहां पे इस बार 10 का नेटवर्क है उस डेटाबेस में, तो अपने राउटिंग टेबल से वो नेटवर्क क्या कर दिया इसने, इसने भी हटा दिया। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है। और जैसे ही वो लिंक आप ऐड करोगे फिर से, जैसे ही मैंने इस लिंक को नो शट डाउन किया, ये वापस एसयू आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस राउटर ये अपने डेटाबेस में इस लिंक को वापस से क्या कर लेगा, ऐड कर लिया। सीक्वेंस नंबर ने फिर से क्या कर दिया, इंक्रीमेंट, और इंक्रीमेंट करके इंफॉर्मेशन सभी राउटर को के पास भेज देगा, इसके पास में भी आएगी आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस। सीक्वेंस नंबर किससे आ रही है, 4 से, इंफॉर्मेशन अपडेट करेगा अपने डेटाबेस में, LSA 1 को अपडेट करेगा। और डेटाबेस में क्या हुआ, चेंज हुआ, कौन से LSA में, LSA 1 में। तो फिर से अपने एसपीएफ एल्गोरिथम एग्जीक्यूट करेगा, कितने टाइम एग्जीक्यूट होगी, 4 टाइम। और इस बार एसपीएफ एल्गोरिथम जब एग्जीक्यूट करेगा इस बार, इसको वहां पे 10 का नेटवर्क मिलेगा और अपने, सॉरी 30 का नेटवर्क मिलेगा, और अपनी राउटिंग टेबल में क्या कर लेगा, इंस्टॉल। और ये लो कम्युनिकेशन हो रहा है, आगे बात समझ में। तो लास्ट टाइम जब हम लोगों ने कुछ डेटाबेस के बारे में बात कर रहे थे, बार बार वो LSA के बारे में बात कर रहे थे, एक्चुअली वो कौन सा LSA था, LSA 1 था। तो आई होप आप लोगों को LSA 1 समझ में आ गया होगा अच्छे से। और कभी भी अपना LSA 1 एरिया क्रॉस नहीं करता। लेट्स सपोज यहां पे एक एरिया ये है और एक एरिया ये है, यहां पे कुछ नंबर ऑफ राउटर कनेक्टेड है 2, यहां पे कुछ नंबर ऑफ राउटर कनेक्टेड है 3। ये एरिया कौन सा है, एरिया 1 है, और ये कौन सा है, एरिया 2 है, या 0 लगा लो भले, कोई दिक्कत नहीं है। और अब इन दोनों एरियाज को कनेक्ट करने के लिए हमें बीच में एक सेंट्रलाइज राउटर चाहिए होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ABR। ये कौन सा राउटर होगा, ABR। अब इस एरिया में नंबर ऑफ LSA 1 कितने होंगे बता दो, 3। एक तो ये राउटर अपना LSA 1 जनरेट करेगा, ये एरिया 0 में है। एक ये राउटर अपना LSA 1 जनरेट करेगा, ये भी एरिया 0 में है। ये राउटर भी तो अपना एरिया 0 में है, इतना पार्ट इसका, तो ये भी क्या करेगा, अपना एक LSA 1 जनरेट करेगा। तो इस एरिया में टोटल नंबर ऑफ LSA 1 कितने होंगे, 3। इस एरिया में टोटल नंबर ऑफ LSA 1 कितने होंगे, 4।
ये भी, ये भी और ये भी, हाँ सही कह रहे हो आप। यहां पे जो अपना LSA1 ये जो राउटर है ना, ये अपने दो LSA1 जनरेट करेगा, एक तो एरिया जीरो के लिए अलग से और एरिया, अरे इस एरिया में भी तो अपनी इंफॉर्मेशन भेजनी है और इस एरिया में भी तो अपनी इंफॉर्मेशन भेजनी है, तो दो LSA1 जनरेट करेगा, एरिया जीरो के लिए अलग से और एरिया वन के लिए अलग से। और एरिया जीरो में जो LSA जाएगा उसमें सिर्फ इस वाले लिंक की, इस वाले लिंक की इंफॉर्मेशन जाएगी, इस वाले लिंक की इंफॉर्मेशन नहीं जा रही होगी LSA1 में। और इस साइड में जो अपना ये LSA1 भेजेगा ये राउटर, तो उसमें सिर्फ इसी लिंक इंफॉर्मेशन भेजेगा, इस वाले लिंक की इंफॉर्मेशन है इस LSA में नहीं जाएगी, क्योंकि ये वाला लिंक हमारा कौन से एरिया में है, एरिया जीरो में है। तो इस एरिया में नंबर ऑफ राउटर LSA कितने होंगे, तीन, और इस एरिया में नंबर ऑफ राउटर LSA कितने होंगे, चार। और ये जो ये जो राउटर है ये सिर्फ एरिया जीरो का डेटाबेस मेंटेन करेंगे, एरिया जीरो के ही LSA1 होंगे, इसके पास में भी एरिया जीरो के ही LSA1 होंगे, इसके पास में, इसके पास में, इसके पास में एरिया टू के LSA1 होंगे, बट ये जो सेंट्रलाइज राउटर है इसके पास में इस एरिया के सारे LSA1 आ रहे होंगे, इस एरिया के सारे LSA1 आ रहे होंगे, ये अपने पास में दोनों एरियाज का डेटाबेस मेंटेन करेगा, इसके पास में एरिया जीरो के भी LSA1 होंगे कितने, तीन, और इसके पास में एरिया वन के भी LSA होंगे कितने, चार। आ गई बात समझ में, क्लियर है इतनी चीज, आज के लिए करते हैं वाइंड अप।